हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रेडमी 9i की। और ये है एक मोस्ट अफोर्डेबल 4GB रैम वाला मोबाइल, जिसकी प्राइस है वो है 8,299 रुपये। और ये कई बार हमें 7,999 रुपये में मिलता है, उसके साथ में कई बार कार्ड ऑफर भी मिलता है। तो 10% ऑफ के साथ ये हमें मिल सकता है 7,200 रुपये में, 7,200 रुपये में ये मिल सकता है। और 4GB की रैम है, 64GB 64GB का है वो स्टोरेज है इसके अंदर। मीडियाटेक हीलियो G25 प्रोसेसर, थोड़ा सा हल्का है लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से और रैम के हिसाब से एकदम सही है। अगर आप भी अगर 4GB रैम वाला एक चीपेस्ट फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये एक आपके पास अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि फ़ोन पुराना है लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, साथ ही में बड़ी बैटरी 5000mAh की मिलना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखिए वीडियो को एंड तक, मैं बताता हूँ आपको इसकी सारी डिटेल्स। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो ये है अपना Redmi 9i का बॉक्स, और बॉक्स के अगर हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो 4GB की रैम है वो हाइलाइट की हुई है, साथ ही में है 5000mAh की बड़ी बैटरी। जो Redmi का फ़ोन आता है एक 9a, जो कि आता है 6700 रुपये से स्टार्ट होता है, 2GB 16GB, उसी का ये अपग्रेड मॉडल है। इसको 9i कर दिया, बस इसमें 4GB की रैम और 64GB 64GB का वो स्टोरेज कर दिया। दोनों साइड में ब्रांडिंग है Redmi 9i। पीछे की तरफ हम अगर देखें तो फास्टर 4GB रैम है और DDR4 है वो रैम दी गई है उसके अंदर। उसके अलावा 64GB है वो स्टोरेज है और 128GB स्टोरेज में भी अवेलेबल होता है। अगर उसकी प्राइस की हम बात करें तो वो 1000 रुपये और बढ़ जाती है। उसके अलावा एक्सपेंडेबल है वो है 512GB तक का, हम इसमें माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। 5000mAh की बड़ी बैटरी है, उसके साथ में 10W का चार्जर साथ में आता है। और मीडियाटेक हीलियो G25 है वो इसके अंदर प्रोसेसर है, कलर है वो है सी ब्लू और सेम टू सेम है जैसा कि रेडमी 9A में आता था, और मेड इन इंडिया है। करते हैं सील को जल्दी से ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद में देखते हैं कि अगर 9A से है वो ये कितना डिफरेंट है। तो सबसे ऊपरी ऊपर मिलता है हमें ये हमारा फ़ोन, इसको रखते हैं हम यहाँ साइड में। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ हमें सिम इजेक्टर टूल है और माइक्रो SD कार्ड है वो अलग से लगता है, दो सिम है वो अलग से लगती हैं, तो 3 स्लॉट है तो देखने की जरूरत है नहीं। उसके अलावा यहाँ एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन है, और नीचे की तरफ देखें तो ये 10W का चार्जर है, और ये एक माइक्रो USB केबल अगर टाइप सी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब आते हैं हम अपने फ़ोन पे, और ये है अपना फ़ोन। सबसे पहले उतारते हैं इसका ये ऊपर वाला प्लास्टिक और पीछे से IMEI नंबर वाला स्टिकर। फ़ोन के अगर ओवरव्यू की हम बात करें तो पीछे की तरफ देखें तो यहाँ एक 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिल जाता है, उसके साथ में LED फ्लैश है, और नीचे की तरफ Redmi की ब्रांडिंग है और ये कलर है और पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है। उसके बाद में अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ सिम ट्रे है और सिम ट्रे 3 स्लॉट के साथ में आती है। ऊपर की तरफ बात करें तो 3.5mm जैक दिया गया है। राइट साइड की हम बात करें तो राइट साइड में ऊपर की तरफ वॉल्यूम रोकर बटन्स हैं और नीचे की तरफ है वो है पावर बटन। फ़ोन के अगर बॉटम साइड की हम बात करें तो यहाँ स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, सेंटर में माइक्रो USB केबल के लिए पोर्ट और प्राइमरी माइक्रोफोन, और सामने यहाँ मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ऊपर की तरफ है स्पीकर ग्रिल और सारे सेंसर्स। और फ़ोन को हम करते हैं बूट, फ़ोन हो चुका है अपना बूट। और सबसे पहले हम जाते हैं इसकी सेटिंग्स में, और सेटिंग में जाने के बाद में हम देखते हैं अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन में हम जाते हैं तो MIUI वर्जन है वो है मिलता है हमें 12, और स्टोरेज है वो 64GB में से 11.7GB है वो ऑक्यूपाइड हो चुका है। उसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन है वो है 10, और ये 10 है, इसको हम ऑन कर सकते हैं ऐसे। उसके अलावा और सिक्योरिटी पैच लेवल देखें तो वो है अप्रैल का, और आर स्पेक्स है वो भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। ओक्टा कोर प्रोसेसर है, मैक्सिमम 2 GHz तक। और उसके अलावा नीचे की तरफ हम आएँ तो ये सारे इसके मॉडल नंबर वगैरह सारी बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद में हम आते हैं अब इस पे सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी में हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है वो है फेस का, तो हम करते हैं फेस इनरोल, और उसके साथ में हम लगाते हैं एक पिन। तो
फेस अनलॉक है वो हो चुका है सेट, और उसके बाद में हम अब चेक करते हैं इसकी सिक्योरिटी कि जैसे मैं इसकी तरफ कंटिन्यूसली देख रहा हूँ और ये ओपन हो गया है, ये ओपन हो गया है। हल्का सा टाइम लेता है लेकिन ठीक है, अगर फिंगरप्रिंट और होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अब करता हूँ मैं इसका एक कैमरा टेस्ट छोटा सा, और कुछ सैंपल्स है वो आपको दिखाता हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए वीडियो को आप आगे, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये कर रहा हूँ मैं शूट इसी Redmi 9i से, और शाम का टाइम है, सनसेट हो रखा है। कलर्स हैं वो आप देख सकते हैं, स्काई का भी ठीक है और ग्रीनरी है उसका भी अच्छा आ रहा है कलर, और आपको मैं चांद भी दिखा देता हूँ साथ ही साथ। और इसमें जो जूम का ऑप्शन है वो है 10x का, और मैं फुल आपको 10x जूम करके दिखा रहा हूँ। आप ये चांद देख सकते हो, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन इस फ़ोन के हिसाब से बहुत ही सही है। तो ये था इसका वीडियो टेस्ट। अब मैं इसका चेक करता हूँ, कुछ फ़ोटोज़ है वो कैप्चर करता हूँ इसके अलग अलग एंगल से। और जो आप ये फ़ोटोज़ देख रहे हैं ये मैंने इसी के रियर और फ्रंट कैमरा से लिए हैं, पोर्ट्रेट और नॉर्मल मोड में, और नज़दीक से भी लेने की कोशिश की है। तो बस यही था इस फ़ोन का पूरा हिसाब किताब। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो बाय लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।